पुलिस की जिंदगी पर आधारित मराठी फिल्म पुलिस लाइन का मुहूर्त। नामी फिल्म निर्माता राजू पार्सेकर इन दिनों पुलिस की जिंदगी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म के मुख्य अभिनेता संतोष जुवेकर हैं। फिल्म की कहानी अमर पारेख द्वारा लिखी गई है। हमारे संवाददाता पूजा गुप्ता ने फिल्म के निर्माता, अभिनेता और अन्य टीम से बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। अच्छा, ये जो फिल्म है बेसिकली कॉन्स्टेबल्स की लाइफ है, जो 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और जब घर से निकलते हैं तो पता नहीं कब वापस आएंगे। 24 आवर्स में आएंगे, 48 आवर्स आएंगे, 72 आवर्स में आएंगे। तो ये ऐसा, ये जो उनकी लाइफ है और ये लाइफ में जब जीते हैं तो उनकी फैमिली जो है उनके ऊपर क्या गुजरती है, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो उनकी लाइफ क्या है, उनकी बीवी है, मतलब ये जो एक तो एक 180 स्क्वायर फीट का उनका मकान जो छोटा है, रूम बोलते हैं उसको, वो है। बाकी फैसिलिटीज तो होती नहीं ज़्यादा। अच्छा, सैलरी इतनी कम रहती है कि ऑलवेज पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये बच्चे थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, बिकॉज़ अगर बाप ही घर पे नहीं है और दिखता ही नहीं, और माँ, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी मतलब औरतें जो बीवियाँ हैं वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है या क्या, तो मतलब ये सब संभालना और इसमें ये सब टेंशन में वो लोग कैसे जीते हैं। और उनकी मतलब हम बोलते हैं यार ये पांडू है, ये है, वो है, मजाक उड़ाते हैं, बट मुझे लगता है कि उनके अंदर झांक के देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे जैसे, हम आप जैसे इंसान हैं और हम आपको जैसी मुसीबतें आती है वैसी उनको आती है। और कुछ हुआ तो हम सीधा बोलते हैं अरे यार ये क्या पुलिस वाले, बट पुलिस उसको हम क्या देते, उस उनको हम देते कुछ जो हम वो डिजर्व करते। तो ये कहानी है। इसमें एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोग पुलिस वालों को खोलिया, मामा, बगड़ा, ना जाने क्या क्या बोलते रहते, लेकिन दरअसल बात वैसे नहीं है। हम लोग तो उन्हें करप्टेड भी कहते हैं, लेकिन गौर से हम देखना चाहे तो हम लोग देते हैं इसलिए वो लोग लेते हैं। हम लोग पैसा देते हैं उन्हें तब वो लेते हैं, और उन्हें भी कोई मतलब पुलिस, हम लोग सिर्फ पुलिस वालों को देखते हैं लेकिन उनके फैमिली में क्या चलता है ये हमें पता नहीं है। तो ये जो फिल्म है ये उनके फैमिली, उनकी लाइन, मतलब वो जहाँ पर रहते हैं वो किस हालात में रहते हैं ये दर्शाने वाली ये फिल्म है। मतलब आज भी वो लोग, मतलब हम काफ़ी अच्छे फ्लैट में रह रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो हवलदार हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं, वो आज भी 180 के रूम में रह रहे हैं। हालांकि उनकी जो चौल है वो भी लगभग समझ लो कभी स्लैब गिरता है, अगर टॉयलेट चले गए तो वहाँ पे बारिश में ऊपर से लीकेज है, ऐसी सब सिचुएशन आज भी पुलिस वालों को, मतलब मेरे जब मैं लेकर आता था गए महीने में 23 तारीख को पेमेंट मिली है। अगर 23 तारीख को पेमेंट मिलती है तो वो लोग 1 से 23 तारीख तक क्या करें। तो ये सब मसाला और यहाँ के चावल की मजा मस्ती है। तो ये जो है ये दर्शाने वाली फिल्म है पुलिस लाइन। इस फिल्म में मैंने किया नहीं, अभी करने वाला हूँ। ये फिल्म अभी शुरू होगी, आज तो मुहूर्त है और इसका शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगा, तो इसमें लीड कर रहा हूँ। बस कहानी काफ़ी अच्छी है, पुलिस लोगों के लाइफ के बारे में है, वो अपनी लाइफ, उनके कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है या जो भी है उसके ऊपर ये फिल्म है, उस विषय को लेकर फिल्म है। और हमारे लेखक है, उन्होंने ये फिल्म लिखी है, और दिग्दर्शक हमारे राजू जी हैं। तो कुछ अच्छी तरह से कोई भी ठेस उनकी भावनाओं को ना पहुँचे, इसका ख्याल रख कर हम ये फिल्म बनाने वाले हैं। और जो असलियत है, जो प्रॉब्लम्स हैं उन जो फेस कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी है और उनके घरों में भी है, कि पुलिस तो नौकरी करते हैं, उनकी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी फैमिली उनके साथ होती है, फिर वो कौन से मुश्किलों से सामना करती है उनके साथ, उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो पुलिस में हैं और बहुत सालों से हैं, कुछ अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इससे मेरे दोस्त हैं, उनसे सुनता हूँ मैं, और जो प्रॉब्लम्स है या जो भी है प्रॉब्लम्स उनसे सुनता हूँ, पता चलता है। और मेरे काफ़ी दोस्त उनके, उनसे जो वास्ता मेरा है आज तक आ रहा है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो पता चल गई हो, देखिए मुझे लगता है कि हम लोग जब बोलते हैं ना
पुलिस रिश्वतखोर होते हैं, पुलिस को कुछ पड़ी नहीं है, सबसे गुंडा तो पुलिस ही होता है, ये गलत बात है। वो अपनी ड्यूटी पर करते हैं। आज पुलिस हमारे साथ है या इस शहर में है, इस वजह से हम आराम से और कोई बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, अपने घरों में रह सकते हैं, तो पुलिस लोगों की वजह से। तो वो उनका जो मान है उन्हें